हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूं, और साथ ही किसी गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार या पीएचडी एडमिशन के लिए फॉर्म निकलते हैं, तो इस सभी से रिलेटेड अपडेट आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। सो गाइस, मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइज, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो यूपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन आई है, आज हम इसको कवर करेंगे। आप यहाँ पे यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके इन वैकेंसीज को खुद भी गो थ्रू कर देते हैं, अदरवाइज इसका लिंक जो है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ पे भी जाकर इन वैकेंसीज को देख सकते हैं। यहाँ पे जो नोटिस आया था गाइज, ये नोटिस आया था अप्रैल 2021 में, देन इसके बाद इसको एक्सटेंड कर दिया गया था, और अभी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने के, दैट इज 29th of July 2021, मतलब 29 जुलाई तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे गाइस मैं बता दूं, अगर आपको अप्लाई नहीं करना है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकें और अपनी जॉब सिक्योर कर सकें। यहाँ पे जो जॉब वैकेंसी निकली है, दैट इज फॉर अराउंड 363 वैकेंसी है, काफी अच्छी खासी वैकेंसी है, जिसमें 208 जो है वो मेल के लिए है, 155 जो है वो फीमेल के लिए है। सो गाइस, दीज आर दी वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। यहाँ पर गाइज प्रिंसिपल के लिए जो है ये वैकेंसी है, जो कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर आती है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर प्रिंसिपल्स का जो है वो रिक्रूटमेंट हो रहा है। इसके अलावा गाइज यहाँ पे बता दूं मैं, जो यहाँ पर वैकेंसी है इन्होंने यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हुआ, लाइक एससी की 57 है, एसटी की 26 है, जिसमें मेल एंड फीमेल का दोबारा से बाइफर्केशन किया हुआ है। तो यहाँ पर जितने भी ऐसे टीचर हैं यहाँ पर जो कि ऑलरेडी वर्किंग है किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में, वो अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। बस यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, एनी फर्दर रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर जो आपकी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है वो क्या रहने वाली है, ताकि आप यहाँ पर अप्लाई कर सकें। यहाँ पर आप देख सकते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन में जो ए पॉइंट, दैट इज मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, और बैचलर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, और सेकंड थिंग इज दैट इज एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, दैट इज 10 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग एज ए वाइस प्रिंसिपल या पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, दैट इज पीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर दैट इज टीजीटी इन अ रिकॉग्नाइज्ड हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इंटरमीडिएट कॉलेज। गाइज, इसके अलावा जो डिजायरेबल है, दैट इज होल्डिंग डायरेक्ट डॉक्टरेट डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट और एक्सपीरियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज ऑफ रिकॉग्नाइज्ड हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, इंटरमीडिएट कॉलेज। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर आपने पीएचडी किया होगा या फिर आपको मैनेज, आपने पहले किसी कॉलेज स्कूल का या कॉलेज को मैनेज किया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे आप कहीं पे काम कर चुके हो, तो यहाँ पे आप ये चीज़ आपके लिए डिजायरेबल होगी, आपको प्रेफर किया जाएगा। इसके अलावा गाइज यहाँ पे मैं बता दूँ कि यहाँ पर जो आप अप्लाई करेंगे वो आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, और पहले यहाँ पर आपको प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा। प्रोबेशन में क्या होता है कि आपको कंफर्म नहीं होता है, आपको एज ए अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, अपने परफॉर्मेंस के बेस पे काम करना होता है, देन परफॉर्मेंस के बाद वो आपको रेगुलर कर देते हैं उसी पोस्ट में, परफॉर्मेंस जज करने के बाद। इसके अलावा गाइस यहाँ पर आपका जो सिटीजनशिप है, दैट इज सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ नेपाल और भूटान और तिब्बतन रिफ्यूजी हैं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो है यहाँ पर मेंशन नहीं है, आप देख लेना इसको खुद भी एक बार गो थ्रू कर लेना। मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। जो यहाँ पर फीस पे करने की अमाउंट रखा गया है, इन्होंने अमाउंट रखा है अराउंड 25 रुपीज, यहाँ पर एप्लीकेशन फीस है दैट इज 25 रुपीज। और इसके अलावा अगर आप एससी एसटी कैटेगरी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी हैं या वुमेन हैं, तो आपके लिए कोई भी फीस आपको पे नहीं करनी है, कोई भी आपको फीस पे नहीं करनी है। नो फी एग्जम्पशन इज अवेलेबल फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट्स हैं, तो आपको फीस पे करनी पड़ेगी, उनके लिए कोई भी फी एग्जम्पशन नहीं है। अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए कोई भी फीस पे नहीं करनी, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं गाइज। अब यहाँ पे गाइज आपको अप्लाई किस तरीके से करना है, कैंडिडेट्स मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट। आपको इस वेबसाइट पे, जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है यूपीएससी की, इस पे जाकर के अप्लाई करना है, और सिंपली आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और आप वहाँ से अप्लाई का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। सो इस तरीके से आपको अप्लाई करना है, बस उसके बाद आपको वेट करना है फर्दर। सो गाइज आई थिंक आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट रहता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछेंगे तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। गाइज कोई भी आपको लाइक स्टेट वाइज वैकेंसी की रिक्वायरमेंट है, आपको अगर स्पेसिफिक सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, तो मैं आपको उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए बारे में बता दूंगा कि अगर कोई वैकेंसी निकलती है तो। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।